राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राजघाट के पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन को बताया उल्लेखनीय अवसर। और दुर्ग में मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप कार्यक्रम शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। यहां आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी का सपना एक ऐसे भारत का था जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से सबल भी हो। एक अमूल्य देन है, उनके आदर्शों और मूल्यों ने संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दी है। अहिंसा का मार्ग उन्होंने इस समय दिखाया जब विश्व कई तरह के देश और कलह से ग्रस्त था। वो कालखंड था विश्व युद्धों का। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से लेकर नागरिक अधिकारों के पैरोकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने गांधी जी के द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग को विश्व कल्याण के मार्ग माना। बापू के आदर्शों और मूल्यों शाश्वत थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भी विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के साथ साथ गांधी जी ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, ग्राम स्वराज और सर्वोदय जैसे अनेक विषयों पर अपने अमूल्य विचार दिए हैं। उनका सपना एक ऐसे भारत के निर्माण का था जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो है ही, साथ ही नैतिक रूप से सबल भी हो। उल्लेखनीय है कि गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की कई प्रतिमाएं हैं जो उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दर्शाती हैं। आगंतुकों के लिए यह प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र होंगी। समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान 2047 तक नहीं होगा। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत ने 5 पायदान की छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संघर्षों के समाधान के लिए केवल संवाद और कूटनीति एकमात्र रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में या उसके बगैर भारत दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के प्रत्येक प्रयास का समर्थन करेगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि GDP केंद्रित से मानव केंद्रित वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सबका साथ सबका विकास का मंत्र दुनिया के कल्याण का दिशा निर्देश हो सकता है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के कथनों और विचारों को पूरी दुनिया में भविष्य की योजना के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की मुख्य विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम एक नारा मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से निकली एक समग्र
समग्र अवधारणा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के लिए अफ्रीका शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की तेज और सतत प्रगति ने स्वाभाविक रूप से दुनिया भर की रुचि पैदा की है और कई देश भारत की विकास गाथा को नजदीक से देख रहे हैं। श्री मोदी का कहना है कि देश यह मान रहे हैं कि प्रगति आकस्मिक नहीं बल्कि यह स्पष्ट कार्रवाई, उन्मुख सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का परिणाम है। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत को 1 अरब से ज्यादा आकांक्षी मस्तिष्क, 2 अरब से ज्यादा कौशल युक्त हाथ और करोड़ों युवा लोगों का देश समझा जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में न केवल सर्वाधिक आबादी वाला देश है बल्कि यह सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश भी है, इसलिए भारत के बारे में विचार बदले हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नई दिल्ली में होने वाला 18वां G20 शिखर सम्मेलन वर्तमान ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए प्रासंगिक अपने निष्कर्ष और समाधान, अवधारणा और कार्यों के कारण याद किया जाएगा। रूस और चीन के राष्ट्रपति के इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने की खबरों पर एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि कौन से देश किस स्तर पर शामिल होते हैं, इस पर फोकस करने के बजाय वास्तविक मुद्दा यह है कि जो देश उपस्थित होते हैं उन्हें कितना महत्व मिलता है। विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में DD डायलॉग को संबोधित कर रहे थे। टू मी वन एस्पेक्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस G20 इज दैट फ्रॉम अ परसेप्शन इन द वर्ल्ड ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव इंडिया आई थिंक टुडे वी हैव बिकम द डिलीवरी इंडिया यू नो दैट दिस इज अ क्रेडिबल इंडिया दिस इज अ एक्शनेबल इंडिया। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 संगठन में शामिल किए जाने के मुद्दे पर डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि यह इस शिखर सम्मेलन में साकार होगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति अध्यक्ष सांसद विजय बघेल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर कोरबा विधानसभा पहुंचे। उन्होंने यहां चर्चा के दौरान बताया कि भाजपा द्वारा 3 अगस्त से प्रदेश भर के सभी 90 विधानसभाओं में सुझाव पेटी भेजी गई है। इसके साथ ही कमेटी के पदाधिकारी विधानसभा में जाकर आम लोगों से सीधे मुलाकात कर उनसे सुझाव ले रहे हैं। विजय बघेल ने बताया कि पिछले 1 महीने में करीब 1.25 लाख सुझाव पार्टी को मिले हैं। इन सुझावों के आधार पर बीजेपी जनता के हित में घोषणा तैयार कर चुनाव मैदान में उतरेगी। कि सरकार से क्या अपेक्षाएं आपकी है और हम घोषणा पत्र में किस तरह की बातें आपके लिए डाले वो सुझाव हम लिखित भी ले रहे हैं, मौखिक रूप से भी लोग बता रहे हैं और हम तो सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करते हैं। समाज के आप दर्पण हैं, समाज की एक आंखों का एक हम आपकी आंखों से समाज को देखते हैं लोग, तो उस दृष्टिकोण से हमको भी आप अच्छी तरह लोगों के सामने हमारी बुराइयां है उसको भी बताते हैं, हमारी अच्छाइयां उसको भी बताते हैं, तो आपसे भी हम सुझाव अपेक्षित है आपसे हमको। अब तक कितने सुझाव आ गए, किस तरह के सुझाव आ रहे हैं बीजेपी को? अभी तक के 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया उसमें 20,000 से ऊपर आए हैं, ईमेल भी जारी किए 3,000 से ऊपर आया है, हार्ड कॉपी में दे रहे हैं लोग, यहाँ पे जो सुझाव पेटी उसमें डाल रहे हैं, इस तरह लगभग 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। 3 अगस्त से हमारा ये अभियान शुरू था, आज 3 सितंबर है, 1 महीना हो गया और ये हमारा 20 दिन और चलेगा, उसके बाद से हम ऑफिस में बैठ के उसको समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी ने जहां 21 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं घोषणा पत्र बनाने को लेकर प्रदेश भर में आम लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। दुर्ग में नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से स्वीप कार्यक्रम शुरू किया गया। इस जागरूकता मुहिम के तहत शासकीय व निजी स्कूलों में 1 लाख से ऊपर विद्यार्थियों और शिक्षकों को संविधान संक्षेपिका के अंतर्गत शपथ दिलाई गई। आज संविधान के बारे में हमारे शाला में शपथ लिया गया क्योंकि संविधान 1949 में लागू किया गया था, उसके तहत हमारे अभी चुनाव मतदान दिवस अभी आ रहा है, हम सभी मतदान करने का दिन आ रहा है जिसमें हम सभी छात्राओं को तथा हम सभी छात्राओं को, शिक्षिकाओं को, सभी को शपथ लिया गया, लोगों को या नागरिकों को सुनिश्चित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि
कि मतदान किस तरह से किया जाना चाहिए और भारत की या राष्ट्र की अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए हमें शपथ दिलाएगा, जिसमें हमारे संविधान के उद्देश्यों में शुरू में ही कहा गया है कि हमारा देश एक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, हमारे राष्ट्र को एक करना है, भारत को एक करना है। मतदाता यदि हम देते हैं, सभी एक साथ होते हैं, तो आज हमारा राष्ट्र एक होगा। और संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हम सभी अपने देश के प्रति आत्मसमर्पित हो, एकता से रहें सभी। इस शपथ कार्यक्रम के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने व लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में अवश्य भाग लेने के लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई गई। सहायक संचालक जिला शिक्षा विभाग अमित घोष ने बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार मतदान का उपयोग करने प्रेरित करना है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार 1 सितंबर से प्रतिदिन विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कराई जा रही है ताकि मतदाता जागरूक हो, और जो कम परसेंटेज वाले वोटिंग एरिया है वहाँ पर हम 100% की ओर बढ़े। इसी कड़ी में आज संविधान की संक्षिपिका की शपथ हमने सब जगह दिलवाई है, जिसमें हमारे हाई हायर सेकेंडरी के गवर्नमेंट के 179 विद्यालय और प्राइवेट के 207 विद्यालयों के करीब 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभागी बने हैं। और हम समझते हैं कि ये शपथ जो बच्चे ले रहे हैं भावी मतदाता होंगे और अपने मताधिकार का पूरा उपयोग करेंगे। प्राचार्य कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश अनुरूप यह मुहिम सफलतापूर्वक चलाई गई। आज मेरे विद्यालय में जिला प्रशासन की ओर से जो निर्देश दिए गए थे कि 1 सितंबर से हमको जन जागरूकता, मतदाता जन जागरूकता के तहत कार्यक्रम रोज कोई ना कोई गतिविधि करानी थी, उसके तहत आज तीसरा दिन था जिसमें हमने संविधान की पाठशाला के कार्यक्रम के तहत संविधान की उद्देशिका का शपथ के रूप में बच्चों को दिलवाया है ताकि उनमें मतदाता के संबंध में जागरूकता भी आए और वो आगे अपने पेरेंट्स को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक कर सके, अपने कर्तव्यों को भी बहुत अच्छे से जाने, अपने अधिकारों को भी जाने, ताकि हमारे देश में जो भी चुनाव वगैरह होते हैं उसमें सही चुनाव वो कर सकें। भारत निर्वाचन आयोग की इस पहल में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर महिला साक्षरता दर को बढ़ाने का बीड़ा बालोद जिले के महिला कमांडो ने उठाया है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम करने वाली बालोद जिले की यह महिला कमांडो गांव-गांव में जाकर बालिकाओं को शिक्षण सामग्रियों का वितरण करती है, साथ ही गरीब व अनाथ बालिकाओं की शिक्षा का पूरा खर्च भी उठाती है। अब तक करीब 9,000 बालिकाओं की मदद की जा चुकी है। जिले के सिंगारपुर गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में इन महिलाओं द्वारा गांव की करीब 150 बालिकाओं को शिक्षण सामग्रियों का वितरण किया गया। क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम भी इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इन महिलाओं ने बताया कि महिला शिक्षित होगी तभी समाज भी शिक्षित होगा। मन बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन किए हैं, बालिका मन ला आगे बढ़ाए बर हमन हाँ गांव के सब दानदाता मन से दान वसूल कर और मन ला कापी पेन वितरण करे हैं ताकि बालिका पढ़ लिख के आगे बढ़े, दो परिवार शिक्षित रखे, पढ़े लिख के आगे बढ़े। उसे कुछ कमी है, पेन है, कापी है, उला हमन थोड़ा बहुत कमांडो सहयोग करत हन। 4-5 साल हो गए कार्यल करत कि बच्चा स्कूल नहीं आ पाए, वो बच्चा ला हमन हाँ स्कूल तक जाए के मतलब भेजे के प्रयास करता कि बच्चा पढ़े, गांव में घूमे मत, यहाँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कि बच्चा पहले ज़माने में का रही कि बेटी मन ला नहीं पढ़ान, का बन नहीं पढ़ान कि बेटी मन है जही काकरो घर त आगे चल फूँखी, मैके में रही तबो आगे चल फूँखी। आज के ज़माना में का है कि बेटी मन है आगे भी फूँका थे और कुछ कार्य भी करा थे, इसने कार्य करते करते बहुत आगे बढ़ गए बेटी मन और बेटा मन बहुत पीछे रह गए, ओकरे कारण बेटी मन ला ज़्यादा ध्यान दे थे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम ने बताया कि महिला कमांडो विगत कई वर्षों से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रही हैं और इससे बालोद जिले में महिला साक्षरता की दर भी बढ़ी है। दानदाताओं से दान इकट्ठा कर बच्चों को कापी पेन पहाड़ा वितरण किया गया,
ताकि हमारी बच्चियाँ आगे पढ़ सके, अपना भविष्य बना सके। और ये प्रोग्राम हमारा विगत 10 वर्षों से चल रहा है और हमारा लक्ष्य है 11,000 बच्चियों को मदद पहुंचाना। अभी तक हम लोगों ने 9,000 बच्चों को मदद पहुंचा चुके हैं और ऐसी बहुत सी ऐसी बच्चे भी हैं जो कॉलेज का फीस नहीं पटा पाती हैं, हाई स्कूल का फीस नहीं दे पाती हैं, तो ऐसे बच्चियों के लिए भी हम लोग उनकी फ़ीस मुहैया कराने के लिए दानदाता ढूंढते हैं और उनकी फ़ीस अदा करके उनकी पढ़ाई जारी करते हैं। इस दौरान शमशाद बेगम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिला कमांडो तथा ग्रामीणों को जिले में शत प्रतिशत मतदान हेतु शपथ भी दिलाई गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 बजे दूरदर्शन रायपुर पर। अगली खबर का रुख करते हैं और अब आपको बता दें कि बेमेतरा में शिशु संरक्षण महा कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गणेश लाल टंडन की उपस्थिति में हुआ। स्वर्गीय चेतन सिंह वर्मा मातृ एवं शिशु अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक निराला ने विटामिन ए सिरप की जरूरत पर सभी उपस्थित शिशुवती महिलाओं एवं पालकों को जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित लक्षित आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन ए सिरप की खुराक पिलाई गई, वहीं आयरन फॉलिक एसिड की सिरप का वितरण भी किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में शिशु संरक्षण माह अर्धवार्षिक विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम की शुरुआत 29 अगस्त से हुई है। 29 सितम्बर 2023 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जिले के 6 माह से 5 वर्ष के कुल 84,806 बच्चों को आयरन सिरप तथा 9 माह से 5 वर्ष तक के कुल 80,094 बच्चों को विटामिन ए सिरप की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दौरान शिशु स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों का सफल संचालन और सेवाओं में और सुधार किया जाएगा, जिसमें गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते हुए उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र जिला चिकित्सालय बेमेतरा में पोषण आहार की प्रदायगी सहित संक्रमण के उपचार हेतु भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही गर्भवती माताओं की जाँच एवं बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से भी किया जाएगा। कलेक्टर पीएस एल्मा ने जिले के सभी जन सामान्य से अपील करते हुए कहा है कि शिशु संरक्षण माह के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदाय समस्त स्वास्थ्य सेवाओं का निशुल्क लाभ जरूर लिया जाए। गरियाबंद समेत छत्तीसगढ़ के बहुत से निजी स्कूल कल शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने जा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत छत्तीसगढ़ में आ रही समस्याओं को आधार बताते हुए यह बहिष्कार करने की तैयारी है। संचालक कल्याण संघ और राज्य कल्याण संघ ने मिलकर कल शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हमारी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये है कि पिछले कई स्कूलों को पिछले कई सालों से 3 साल 4 साल से प्रतिपूर्ति राशि जो है आरटी के बच्चों की प्रतिपूर्ति राशि का पेमेंट नहीं हुआ है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। यदि उनका भुगतान नहीं होगा तो हमारी शालाएं हमारे शिक्षकों का वेतन और उनका मानदेय कहाँ से हम दे सकते हैं, एक ये बात। दूसरी बात, सरकार ने पिछले 12 सालों में प्रतिपूर्ति राशि जो है इसका बिल्कुल भी इस मानदेय को नहीं बढ़ाया है, प्रतिपूर्ति राशि को वो बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं, जबकि हमने कई बार सरकार से ये मांग की है कि उसको बढ़ाया जाए। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि 13 साल पहले की दर पर अब बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है। होते हुए भी बहुत दुख के साथ हमको शिक्षक दिवस का बहिष्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि विगत 2010 से आरटी के जो नियम के तहत गवर्नमेंट ने जो रेट निर्धारित की थी उसके अनुसार आज की महंगाई को देखते हैं तो उससे कहीं 3 गुना बढ़ गया है और बच्चे आज भी उसी दर पर पढ़ाई हो रही है। और 2019 से कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनको अभी तक कोई भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है राज्य शासन के द्वारा।
जिला शिक्षा अधिकारी नवीन भगत ने बताया कि प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए शिक्षकों से चर्चा की जा रही है, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं और निश्चित ही हम लोग जो है कल का जो है पर्व जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे और बाकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग जो है शासन स्तर से बात करके जल्दी क्लियर कराने का प्रयास करें। इधर संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि अगर बाकी राशि नहीं मिली तो आने वाले 14 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल और 21 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की योजना संघ ने बनाई है। जांजगीर चांपा में अकलतरा के परसाही गांव में शराब पीने से दो सगे भाई समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जिले में 3.5 माह में यह तीसरी घटना है जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। परसाही में शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने पर दोनों भाइयों को अकलतरा अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे व्यक्ति को बिलासपुर रेफर किया गया था और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अकलतरा बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज उचना पुलिस अकलतरा थाने को ये सूचना मिली कि शराब पीने से तीन लोगों की मौत हुई है परसाही बाना गांव में। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे तत्काल पहुंची है और 100 पंचनामा की कार्रवाई की है और पीएम के लिए बॉडी जो है हॉस्पिटल में है। जांच जारी है, जांच के बाद पता चलेगा क्या मामला है। जांजगीर चांपा अंचल में हाल के वर्षों में शराब सेवन से मौत की घटनाएं बढ़ी हैं। इस वर्ष 15 मई को रोगदा में सेना के जवान समेत तीन की मौत हुई थी। इसी तरह 31 अगस्त को अमोदा गांव में दो लोगों की मौत हुई थी। जन्माष्टमी के उपलक्ष में प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग शहर में इस अवसर पर कल शोभा यात्रा निकाली गई। सनातन मंच की इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री कृष्ण व राधा की आकर्षक झांकियों और लोक नृत्य के साथ यह शोभा यात्रा दुर्ग के पचरी पारा से निकलकर इंदिरा मार्केट, गांधी चौक, शनिचरी बाजार व चंडी मंदिर होते हुए बैगा पारा स्थित गोपाल मंदिर पहुंचकर सम्पन्न हुई। कार्यक्रम के संयोजक मनोज कुमार यादव ने बताया कि एकता व भाईचारे के संदेश के साथ यह शोभा यात्रा सभी समाज के लोगों की भागीदारी से निकाली गई है। 6-7 तारीख दो दिन मनाना है। अपन चाह रहे कि पूरा इस महीने पूरा यही मंत्र है भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव और सभी समाज का सभी संदेश देना चाहते हैं कि सनातनी सभी मिलकर एक साथ मनाए, भाईचारा के साथ मनाए, यही उद्देश्य। वहीं इस दौरान शोभा यात्रा के बाद माखन हांडी लूट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। संघ मित्र कल्याण मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुषों के अलावा महिला व बालकों की मंडलियों ने भी हिस्सा लिया। विजेता मंडलियों को अतिथियों द्वारा 5,000, 3,000 व 2,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। देश भर में जल जागरूकता मुहिम अलग अलग स्तर पर चल रही है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जल संरक्षण को लेकर महिला कमांडोज लोगों को जागरूक बना रही हैं। महिलाओं की इस पहल से समाज के विभिन्न वर्ग जुड़ रहे हैं और पानी बचाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिले की महिला कमांडोज से जो जल संरक्षण की दिशा में भी अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। अब तक बाल विवाह, टोनही प्रथा और नशे जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर चुकी ये टीम अब जुट गई है जल संरक्षण में। इसके लिए जिले के करीब 500 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर घरों में सोखता गड्ढा बनाने की मुहिम चल रही है। ये लोग न केवल जल संरक्षण का संदेश दे रही हैं, बल्कि गांव के लोगों को ऐसे ही करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, ये महिला कमांडोज गांव में पानी बहने वाले स्थानों पर भी सोखता गड्ढा का निर्माण करवा रही है। उनकी इस मुहिम से जिले के दूरस्थ अंचल के आदिवासी बाहुल्य ग्राम सूरडोंगर की महिला कमांडो भी जुट गई हैं। इन महिलाओं ने भी अपने घरों में सोखता गड्ढे बनवाए हैं। महिला कमांडो गांव के घर घर जाकर और रैलियां आदि के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करती हैं।
जल ही जीवन है, जल बचाना जरूरी है। जल स्तर बहुत नीचे गिर गया है और जब तक कि हम अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं जल को नहीं बचाएंगे, जितना ज़्यादा ज़मीन में डालेंगे वो जल हमको फिर पुनः वापस मिलेगा। इस सिद्धांत को समझते हुए हम लोग ग्रामवासी प्रमुख लोग भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ में रैलियों में घूम करके घर घर में जा करके सब महिलाओं को, ग्रामवासियों को, भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं। इन महिलाओं के इस पुनीत कार्य में ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्राम सूरडूंगर के ग्राम विकास समिति के सचिव नुकुल विश्वकर्मा ने महिला कमांडोज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम विकास समिति भी इन महिलाओं के इस कार्य में उनके साथ खड़ी है। स्वच्छाग्रही में जुड़े हुए हैं, जो गली सड़क ये साफ करते हैं और सोखता गड्ढा बनाने के लिए घर घर में जाके बताते हैं, और हम लोग सोखता गड्ढा बना रहे हैं या उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या संरक्षण के लिए हम लोग पानी बचाओ की जो संरक्षण ये अभियान चला रहे हैं ये हो रहा है नहीं, कि उसके लिए हम लोग जाते हैं निरीक्षण करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम ने बताया कि बालोद जिले में गिरता वाटर लेवल चिंता का विषय है, जिसे बचाने के लिए महिला कमांडोज द्वारा ये काम उठाया गया है। बालोद जिले के समस्त ग्रामों में जहाँ जहाँ महिला कमांडो काम कर रही है वहाँ पे हम लोगों ने सोखता गड्ढा बनाने का काम किए कर रहे हैं हमारी महिला कमांडो के सहयोग से। हमारी महिला कमांडो अपने घर में तो स्वयं खोद के बना ही रही हैं, साथ ही साथ हर घर में सोखता गड्ढा बने इसके लिए भी ग्रामवासियों को प्रेरित कर रही हैं। गाँव के पानी गाँव में ही सहज कर रखने की कवायद में महिला कमांडोज द्वारा चलाए जा रहे अभियान निश्चित रूप से अनुकरणीय है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में मानसून अभी सक्रिय बना हुआ है, इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने के कारण कल सुबह से ही राजधानी रायपुर समेत विभिन्न स्थानों पर तेज बौछारें पड़ीं। कल दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, राजनांदगांव जिले के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जल्द ही एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अन्य भागों में आगे भी बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राजघाट के पास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नई दिल्ली में होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन को उल्लेखनीय अवसर बताया। और दुर्ग में मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप कार्यक्रम शुरू। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।